हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। नया दिन, नया व्लॉग, नई शुरुआत। और आज की ताजा खबर है कि कानपुर में आया था भूकंप। और अखिल रक्षा की दुनिया गहरी नींद में थी, गधे घोड़े बेच के सो रही थी। 2 बजे के करीब बता रहे सोशल मीडिया पर कि भूकंप आया। मैंने तो अभी देखी भी नहीं है न्यूज, मैं अभी पढ़ूंगी। वो भी पेपर में तो शायद नहीं आएगा क्योंकि 2 बजे आया पेपर। हाँ, शायद सही से दिख ही नहीं रहा। तो तुम सोशल मीडिया पे देख सकते हो, ऑनलाइन दिखेगा। प्लस मैं भी शो पर जाकर बताता हूँ, देखता हूँ। और वो भी हैवी भूकंप आया। मैं सोच रही हूँ कि हो सकता है कि इस एरिया में इतना इम्पैक्ट ना पड़ा हो, कुछ एरिया ऐसे हो जहाँ पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा हो, लेकिन हमें तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था। बिल्कुल समझ में नहीं आया। और ऐसा नहीं था कि वो बहुत गहरी नींद रही होगी, क्योंकि कल रात में हाँ थोड़ी ऐसी टूटी फूटी थी, हल्की फुल्की नींद थी, ऐसे प्यास लग रही है, फिर नींद खुल रही है, फिर हवाई लग रही है, कुछ ना कुछ ऐसे ही था। आज गर्मी भी है, नॉर्मल गर्मी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है पर्दे लगा के रखे है ना कल रात से, इसलिए वो ठंडा नहीं किया उसने। या तो बाहर जाएंगे तब समझ में आएगा। ठंडा तो है ही बाहर वैसे। हाँ एकदम इतना नहीं है, मैं सुबह उठ के मैं एकदम ऐसी रहती हूँ, महसूस रहता है मेरे को जैकेट चाहिए या कुछ ऐसा। आप जैसे थोड़ा कम मैं नहा कर आया हूँ, लेकिन मुझे वैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा ठंडा। कम वैसे हिल गया, हिला पता नहीं, या तो नीचे गार्ड जी से पूछता हूँ जाते जाते। हाँ पूछना तो नहीं, तो फिर देखना पड़ेगा कि क्या सच में आया था भूकंप। नहीं इतना तो सच में हमको नहीं लगा, हमको तो नहीं रियलाइज हुआ कुछ भी। अगर इस एरिया में भी अगर आया है फिर भी हमें कुछ ही रियलाइज नहीं हुआ। मुझे ना पढ़ाई करते करते यहाँ कहीं तो कोई तो बना रहा है मेथी के पराठे, या थाली पीठ जो भी, मेथी का कुछ तो बन रहा है, सब्जी नहीं बन रही है, मेथी के पराठे या थाली पीठ बन रहे हैं। और मुझे इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू आ रही है कि मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, मेरा ध्यान डाइवर्ट हो रहा है उस तरफ की मेथी के पराठे। ऐसा खमंग सुगंध आ रहा है ना मुझे कि मैं खुद को रेजिस्ट नहीं कर पा रही हूँ, और मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है उस वजह से। पता नहीं कहाँ से आ रही है, इस तरफ तो कोई नहीं है, इस तरफ देखते हैं। वैसे मुझे मेथी इतनी पसंद है कि मुझसे रेजिस्ट ही नहीं होता। अगर कोई मुझे कहे कि सुबह दोपहर शाम तुम्हें मेथी खानी है तो मैं खा सकती हूँ। मैं जैसे ही यहाँ बैठ रही हूँ मुझे सिर्फ यहीं पे सुगंध आ रही है और कहीं नहीं आ रही है। भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं जहाँ पढ़ाई करने बैठी हूँ बस वहीं सुगंध आ रही है और कहीं नहीं, ना दरवाजे के बाहर ना बालकनी में, कहीं नहीं, खाली यहाँ खुशबू आ रही है। या तो मेरे दिमाग में वो खुशबू इतनी बैठ गई है कि वो मेरा दिमाग मुझे वो। आज मैंने पढ़ा है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, थोड़ा ही पढ़ा है, ज़्यादा नहीं पढ़ा है। स्टार्टिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शंस पढ़े हैं, मतलब रिवाइज किए हैं। अब तो मैं फिलहाल के लिए बंद कर दे रही हूँ। वो मुझे पिक कर लेंगे और उसके बाद वापसी हो जाएगी, क्योंकि 6 बजे वो छूटेंगे ना, वो रामा मेट करने हैं तो वो 6 बजे छूटेंगे। अभी भी आपके पास थोड़ा बहुत टाइम बचेगा, फिर मुश्किल है। अभी तो हम नहीं, मैंने वहाँ जाने के लिए, साईं दरबार जाने के लिए। हाँ बचेगा, अच्छा 10 या कॉल करके उनको जाएंगे, अगर लेट होगा तो उनको बोलेंगे कि मुझे आप ही मिल जाओ साथ में। अरे जाना है, आज प्लान है। आप साईं दरबार कहाँ है वैसे? ये बिठूर वाले रोड पे है, मतलब मुझे अच्छा, हाँ, बहुत
ये आपका कानपुर में जितने मंदिर हैं उनमें सबसे ज्यादा ये है, वही है। तो आज हम हमारे लिसनर से भी मिले जो हमारे व्लॉग भी देखती हैं, आपने देखा ही उनको, और मतलब मैं मिला ऑब्वियसली रक्षा को, उन्होंने हाय बोल दिया था। हाँ, मेरे उनसे इंस्टाग्राम पे बात हो गई वैसे। बढ़िया, तो अभी हम जल्दी मिलने वाले हैं। चलो बिल लेना, अभी चाय तो बना दो। चाय जैसे शब्द मैं सुनती हूँ तो मेरे सेंसेस वो काम नहीं करते, मतलब मुझे सुनाई नहीं देता है, मेरा दिमाग काम नहीं करता है, एनीथिंग रिलेटेड कुछ ऐसे है शब्द जो ऐसे गर्म पानी में चाय पत्ती और दूध मिला के दे दो, समझ में ही ब्लैंक हो जाती हूँ मैं कि कप में डालकर पीने वाला कप में डालकर तो बिग बॉस में कुछ और भी पीते हैं। अब बिग बॉस वाला नहीं, अपन तो नॉर्मल आम आदमी वाला है। बोले आ जाओ उठ जाओ, बढ़िया एकदम। शाम हो गई वैसे भी, शाम हुई तो शाम हो गई, अब क्या चाय पियोगे यार, यही तो टाइम है चाय पीने का यार। क्या तुम कमेंट करके बताइए आप चाय कब पीना पसंद करते हैं, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 5 बजे, 5 बजे, 5 बजे तो चाय बिल्कुल ही नहीं पीना। आज एक चैलेंज करते हैं। चलो बता आज से। अरे चलो 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 चलो, मेरे पास एक चीज आई है, ठीक है। मैं तुमसे 2 क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है। अगर तुमने उन दोनों के सही जवाब दे दिए तो वेल एंड गुड, अगर तुमने उनके सही जवाब नहीं दिए तो तुम्हें एक पनिशमेंट मिलेगी। तो दे दिए तो तुम्हें मिलेगी उसका देखा जाएगा नहीं, बाद नहीं, में दे दिए तो तुम्हें मिलेगी यार, नहीं नहीं नहीं, नहीं ये डन है, देखेंगे बाद में। पूछो सवाल। अब सोचने दो, थोड़े वैसे सवाल पूछूंगी तुम जवाब ना दे पाओ, ऐसे एकदम थोड़ी आते हैं सवाल। चलो ठीक है, तो मैं अपने फर्स्ट सवाल के साथ रेडी हूँ, क्या तुम सवाल का जवाब ना देने के लिए रेडी हो? सवाल का जवाब ना देने के लिए हाँ रेडी हूँ। नहीं दोगे ना सवाल का जवाब? दूंगा 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 दूंगा। तो तुम्हारा सवाल है, तो क्योंकि तुम्हारा प्रोफेशन है रेडियो, तो मैं तुमको रेडियो से लेकर ही एक सवाल पूछ लेती हूँ। रेडियो किसने इन्वेंट किया था? अरे यार ऐसे सवाल कौन पूछता है क्योंकि मैं चाहती हूँ ना तुम हार जाओ तो मैं तो ऐसे ही सवाल पूछूंगी। सवाल कहाँ यार, ऐसे कहाँ याद रहते हैं, क्या तुम गूगल ही नहीं करना, आई मीन गूगल नहीं करना, गूगल नहीं करना, गूगल नहीं करना, नहीं कर रहा। नो नो नहीं कर रहा। तुम कर रहे हो? कहाँ किया मैंने? तुमने कर लिया। गुइलियो मार्कोनी। चीटिंग की है तुमने। यही है क्या? कि नेगेटिव मार्किंग होगी। अरे तो ऐसे सवाल कौन पूछता है, बोले रेडियो किसने इन्वेंट किया था। तो मैं तो चाहती हूँ ना तुम हार जाओ। अरे यार नहीं नहीं, तो ऐसा कुछ तो ऐसे लाइक रीजनेबल। अब बोले तुम बोलो कि महाभारत के युद्ध में जितने लोग मरे थे उनके नाम बताओ। बताओ सैनिकों के वो भी चलो ये भी बता दो। दूसरा सवाल यही रहा, ये रहा आपका दूसरा सवाल। थोड़ा ऐसे कि मैं भी जीतने का मौका मेरे को मिले, मतलब। अच्छा चलो ये बता दो। दूसरा है ऑलरेडी। अब ये तो इजी है, अब ये सवाल अगर तुमने जवाब दे दिया तो ये सवाल काउंट नहीं होगा, ठीक है। ये बता दो कि इंडिया की नेशनल ट्री क्या है? देखो बरगद और पीपल, इन दोनों में से होना चाहिए, आम फाम तो होना नहीं चाहिए, तो आई विल गो विद बरगद। सोच लो अच्छे से। पता नहीं है, गेस कर रहा हूं तो क्या ही कितना ही सोचूंगा। बरगद सोच। बैनियन ट्री। एक बार सोच लो। सोच लिया, यही है। पक्का? पक्का डन। पक्का सही जवाब है बैनियन ट्री। लेकिन मैंने पहले ही बोला था क्योंकि ये आसान सवाल है तो ये काउंट नहीं होगा। तुम्हारा एक सवाल काउंट हो गया, मेरा एक जवाब काउंट हो गया। यू हैव सेकंड क्वेश्चन लेफ्ट, कभी भी पूछ सकती हो। इसे पानी भरना पड़ेगा। तुमने भरा ही नहीं दोपहर में, मैंने बताया था ना तुमको इसमें पानी। मैं निकल गया था। चलो भर देना अभी। एक सवाल तो हो गया, अब दूसरे सवाल की बारी है।
मैंने एक दो रिडल्स ढूंढे हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर, क्योंकि अगर वो पास हो गया तो फिर मैं पनिशमेंट नहीं दे पाऊंगी। क्या पास हो गया तो ब्लूटूथ हेडफोन का है अपने दूसरे वाले यहीं कहीं होंगे, वो उधर वाले बैग में देखो, वो जहाँ सब वायर्स रखे। आर यू रेडी फॉर योर क्वेश्चन? यस, पूछ सकती हो तुम। आई थिंक आई एम नॉट रेडी टू आस्क क्वेश्चन। पूछो, क्या पता, एक तो मैं बता ही चुका हूँ तो नहीं भी बता पाया तो भी बराबर ही रहेगा। मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, आई एम टेकिंग अ रिस्क, लेकिन ठीक है, मुझे फिलहाल सवाल जो है वो याद नहीं आ रहा है। इसे मैं देख लो फोन में। हाँ, था तो फोन में। क्या था? IQ questions for adults. अरे कहना क्या चाहते हो? थोड़ा हिंट, लाइक पहनने की चीज है, लाइफ स्टाइल की चीज है। ये अगर मैं हिंट दूं तो फिर तुम अगर पास हो गए तो अपने पैर पे मैं कुल्हाड़ी क्यों मारूं? नहीं, एक हिंट ना, मतलब एटलीस्ट एक ही किस कैटेगरी का है। हिंट यही है क्या? यूज नहीं 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 कैटेगरी कैटेगरी लाइक हाउस होल्ड आइटम है, खाने का आइटम है, कुछ भी आइटम। पहले दिमाग चलाओ थोड़ा अपना, टेक योर टाइम। ठीक है, एक बार फिर से बताओ। व्हाट हैज बॉटम एट इट्स टॉप? व्हाट हैज बॉटम एट इट्स टॉप? गौर से देखिए इस आदमी को, इससे इसकी पत्नी ने किया है सवाल और ये है उलझन में। क्या ये सवाल का जवाब दे पाएगा? What has bottom at its top? आपको क्या लगता है? अब चलो कोई एक हिंट दो, किस कैटेगरी से है? हर किसी के पास होता है, हर कोई यूज करता है। Has bottom at its top? अब मैंने ऐसा हिंट दिया है, अगर तुम पास भी हो जाओ तो मैं काउंट नहीं करूंगी, है ना? ये सिर्फ मैं तुम्हारे जवाब देने के लिए तुम्हें हेल्प किया है। सबके पर्सनल यूज का है और सबके पास होता है। एवरीबडी हैज इट्स ओन। धूप निकलती है जहां से, आइडियाज आते हैं वहां पे। ये दिल। कैप, हैट, टोपी? नहीं, मुझे पता है। पैंट्स? व्हाई पैंट्स? बॉटम बट हमारे टॉप पे, लाइक पैंट्स। यू आर एक्चुअली वेरी क्लोज बट एग्जैक्टली नॉट। पैंट्स इज द ऑप्शन, पैंट्स इज द आंसर, बट लेग्स बिकॉज इट हैज बॉटम एट इट्स टॉप। व्हाट हैज इट्स क्या था? बॉटम। अच्छा, व्हाट हैज बॉटम एट इट्स टॉप? अच्छा, बॉटम एट इट्स टॉप। बॉटम एट इट्स टॉप, ओके। तो मतलब मैंने सही बताया तुमने वैसे? नो पनिशमेंट। नहीं 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 नहीं, तुमने पैंट्स बताया। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन पैंट्स एंड लेग्स। चलो ठीक है, फेयर डील करते हैं। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ और तुम्हारा एक टास्क भी स्वीकार करता हूँ। तो तुम आज बताने वाली हो, कब बताने वाली हो? रेडी ना? हाँ रेडी तो है ही। अब रेडी क्या, अब तुम हार ही गए हो तो बकरा बलि पे चढ़ेगा ही चढ़ेगा, तो उससे क्या बार बार पूछना रेडी क्या? नहीं, फिर भी एक मन से उसको प्रिपेयर करना होता है ना कि हाँ भाई तुम करना। रेडी नहीं हो। मैंने लहसुन छीलने के लिए रखे थे थोड़ी सी। तो क्या करने से ये सारे लहसुन तुम्हें मुझे छील के देना है? और इसका होगा क्या? इसकी मैं चटनी बना दूंगी या मतलब तो नहीं, ऐसे मत बनाओ, नहीं खाएंगे उसमें क्या है? मुझे खानी है। दुआएं बाहर से ले आएंगे। ओ भाई, तुम काम बढ़ा रहे हो। तुमको काम करने के लिए बोला है तो तुमको बताना चाहिए ना नीचे इसमें छिलके। अरे तो तुमको ध्यान से भी देखना चाहिए ना। लहसुन खा सकते हैं ना? ठीक है, ये तुम कभी भी जैसे तुमको समय मिले कल शाम तक में मेरे को वो पूरा एक ही है वो वैसे लहसुन का ज्यादा नहीं है। बॉस के टास्क निपटाते रहो। तुम एक और, मैं तुमको अच्छा ऑप्शन दे सकती हूँ, कल तुम ऑफिस लेके जाओ ये लहसुन। हाँ, शो करते करते छिलते छिलते। हाँ, दिखाते थे ना वो कौन से एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, वहाँ बैठे बैठे लाल वाला, वहाँ बैठे बैठे स्वेटर बुन लेते थे, मटर छील लेते थे। वैसे अभी हमारा नया आरजे, काश हम गवर्नमेंट जॉब में होते तो ये तो नॉर्मल लाइक। मैं घर से घर आ रहा हूँ तो क्या मटर लाया? हाँ लाया भी हूँ, छील भी लाया हूँ।
सॉरी जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज देख रहे हो आप अच्छे से काम करते होंगे, हम मजाक कर रहे हैं सिर्फ, हमने बस वो जो वीडियोस में देखा है वही हम बता रहे हैं वही। प्लीज डोंट अनसब्सक्राइब सब्सक्राइब दिस इज आवर न्यू बिनिंगिंग बिनिंगिंग इन द बिनिंगिंग। चलो बहुत हो गया, अब तुम काम पे लग जाओ, थोड़े से मटर छील दो, कल सुबह मटर काट के दो, लहसुन ठीक है कर ले आना मटर उसमें के। तो लेट्स सी कि कितने हमें लहसुन छील के मिल जाते हैं। मेरा तो एक काम हल्का हो गया, मैं छिलवा के रख लूंगी सारे लहसुन। तो इसी के साथ ये व्लॉग यहीं खत्म होता है और अगले व्लॉग में देखेंगे कि हमें कितने लहसुन छील के मिलते हैं। और होपफुली अब मुझे इसमें इंटरेस्ट आ गया है, तो मैं चाहूंगी कि वो ऐसे ही हारते रहे और मैं ऐसे ही कुछ बढ़िया बढ़िया अपने काम उस पर सौंपते रहूं। तो इसी के साथ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज अखिल रक्षा की दुनिया। छिल जा भाई।